हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू फूडी मॉन। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल आलू की रेसिपी है, लेकिन एक नए स्टाइल में। तो चलिए आज ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे आलू। मैंने ये एक बड़े आलू को इस तरह से काट लिया है राउंड पीसेस में। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस हमें इतना रखना है, आप इससे ज़्यादा भी थिकनेस रख सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले ऐसे लंबे लंबे हम इसे काटेंगे चाकू की मदद से। हमें इसे पूरा नहीं काटना है, हमें इसे आधा, जो इसका थिकनेस है उससे आधा काटना है, इस तरह से लंबा। और अब इसे इस तरह से घुमा के फिर से एक बार काट लेंगे। ये देखिए, तो इसमें पहले मैंने वर्टिकल काटा, अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल काट रही हूँ। तो इसमें इस तरह के कुछ कट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है, देख सकते हैं आप। तो सारे आलू में हम इस तरह काट लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए फाइनली चॉप एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया हमने, फिर दो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम मैरिनेट करेंगे आलू के जो पीसेस हैं उसे। तो उसके लिए हम डालेंगे एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच दही, फ्रेश दही लेना है हमें यहाँ पे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के पीसेस में इस तरह से, उसे अच्छे से कोट करेंगे दोनों तरफ। ये देखिए ये हो चुका है। तो अब इसे 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। 15 मिनट बाद हम तेल गरम करेंगे पैन में और इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो जो आलू के पीसेस हैं उन्हें डालेंगे और इसे दोनों साइड उलट पलट के हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे, जब तक ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिर्फ एक ही आलू का यूज़ किया है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जितने मन उतने आलू का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसे देख के लगता है कि इसमें बहुत ही मेहनत किया हुआ है। तो जिसे भी आप खिलाएंगे वो बहुत ही पसंद से खाएगा और सोचेगा कि इसमें आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से उलट पलट के कर लिया फ्राई। अब इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, तो अब ये रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे और अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा ग्रेवी। तो उसके लिए हम डालेंगे दो हरी मिर्च, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तरह से। अब डालेंगे हम एक टीस्पून जीरा और सॉटे कर लेंगे उसे। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो, इसे भी डाल के हम थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे इसे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि हमने पहले भी नमक यूज़ किया है आलू में। तो अब हम इसे सॉटे करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च, और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हम देखेंगे इसमें से ऑयल जो सेपरेट नहीं हो जाता। इसमें हम आधा कप पानी डाला है मैंने, ताकि अच्छे से जो मसाले वो फ्राई हो जाए। और ये देखिए अब इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब है मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे एक कप पानी डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी बनाने के लिए। आप इसमें चाहें तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो। तो इसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे फ्राइड पोटैटोज यानी कि आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे उसे। इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे जो ग्रेवी है उसमें, ताकि ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर पाए। और अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और एक टीस्पून गरम मसाला। इसे डाल के हम फिर से ढक देंगे, 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। और 1 मिनट बाद ये अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा, दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है अंदर से भी, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।